गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन का हम मेजर टॉपिक स्टडी कर रहे हैं और आज हमें पढ़ना है पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन वाया एन ऑक्साइड एंड अदर। इसके अंदर टॉपिक रहेगा, यानी कि इसके बाद हम स्टडी करेंगे पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन में लाइक सेलेन ऑक्साइड बनता है, सल्फर ऑक्साइड बनता है, एन ऑक्साइड। तो इनके हमको सिन एलिमिनेशन के प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने जो कि एग्जाम में आते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी व्यूअर्स है या जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं उन्होंने एक प्लीज इस वीडियो को देखने से पहले आप लेक्चर नंबर 5 एंड लेक्चर नंबर 6 को एक बार रिव्यू कर ले, ताकि आपको पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन के बारे में बेसिक नॉलेज, इसके रिएक्शन मैकेनिज्म और इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता चले, क्वेश्चन कैसे बनते ये भी आपको पता चल जाए। तो प्लीज जो व्यूअर नए हैं वो एक बार लेक्चर नंबर 5 एंड लेक्चर नंबर 6 को एक बार देख लेवे। तो चलिए आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर स्टार्टिंग मटेरियल आपके पास कोई एक साइक्लोहेक्सेन है, सब इंस्टीट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन है और इसके किसी पोर्शन के ऊपर नाइट्रोजन है, एमाइन ग्रुप है। लाइक मैं इसको नेम देता हूं 1, 2, 3। ओके, तो 2 नंबर कार्बन के ऊपर आपके पास एक टर्शियरी एमाइन आपके पास प्रेजेंट है, एन एन के पास यानी कि डाइमेथिल एमीन आपके पास प्रेजेंट है। अगर आप इसकी रिएक्शन, पर्टिकुलर रिएक्शन किससे करवाते हो, लाइक आप इसकी रिएक्शन करवाते हो पर एसिड से, दिस वन इज पर एसिड, या फिर एमसीपीबीए या फिर टर्ब हाइड्रोक्सीड टर्ब ब्यूटोक्साइड या फिर H2O2 हाइड्रोजन परोक्साइड या फिर सोडियम आयोडाइड से। ओके, तो ये सारे के सारे क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, ये सभी के सभी आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है हेटेरो एटम के साथ, दे आर डूइंग ऑक्सीडेशन ऑफ हेटेरो एटम। तो ये क्या करते हैं, हेटेरो एटम का ऑक्सीडेशन करते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या है, एन है, तो ये बन जाएगा एन ऑक्साइड, यानी कि एन के साथ डबल बॉन्ड ओ रहेगा और वो जो डबल बॉन्ड ओ है वो आपका पोलराइजेशन के कारण ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और आपके नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा। तो इसने क्या, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन, तो अब बन जाएगा आपके पास दिस वन एन, दिस वन ओ, ऑक्सीजन के ऊपर क्या रहेगा नेगेटिव चार्ज। मैं इसको डॉटेड फेस के ऊपर लिखता हूं, सॉरी मैं इसको डाउन द साइड में लिखता हूं ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। दिस वन इज ऑक्सीजन, दिस वन इज नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज जो बैलेंस करेगा। ठीक है, इट मींस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, बट ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होने के कारण वो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गए, तो ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब एन ऑक्साइड का होता है सिन एलिमिनेशन डेफिनेटली। अब मुझे ये देखना है कि इस जो मेरे 1, 2 एंड 3 नंबर, यानी 2 नंबर पे जो एन ऑक्साइड है अब फेस के अंदर है, यानी कि वेज लाइन पे, तो 3 नंबर कार्बन या फिर 1 नंबर कार्बन पे, 3 नंबर या 1 नंबर पोजिशन पे हाइड्रोजन भी अब फेस पे होना चाहिए। तो अगर मैं 1 नंबर कार्बन की बात करूं तो इसके ऊपर जो हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट है वो डॉटेड के ऊपर है। ठीक है, तो इसके साथ एलिमिनेशन रिएक्शन परफॉर्म नहीं हो सकती, यानी 1 नंबर कार्बन को क्रॉस मार्क कर दीजिए। अब आइए 3 नंबर कार्बन पे, अब 3 नंबर कार्बन पे मिथाइल ग्रुप आपका डॉटेड फेस के ऊपर दे रखा है, तो अब फेस में कौन होगा माय डियर स्टूडेंट्स, वो रहेगा आपका हाइड्रोजन। ओके, तो दिस वन इज हाइड्रोजन अब फेस के अंदर आ गया। अब फेस में हाइड्रोजन है और एन ऑक्साइड भी आपका अब फेस के अंदर है, तो अब क्या होगा कि दिस ऑक्सीजन नेगेटिव जो चार्ज है वो अब फेस वाले एच को एलिमिनेट करेगा। तो अब एक स्टेप होगा, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर एलिमिनेटेड टू दिस, फिर ये आपका जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है ये यहां पे शिफ्ट होगा और ये आपका एन और कार्बन के बीच का बॉन्ड गेट ब्रेक, तो ये आपका चला जाएगा एलिमिनेट, दिस वन इज गेट ब्रेक। तो आपका 2 नंबर और 3 नंबर के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, तो यहां पर आप क्या बनाएंगे, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड बनाएंगे। और अब इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी, ऑन द प्लेन हो जाएगी दोनों की, तो इसे मिला करके आपको क्या करना है, तो मिथाइल तो आपका चला गया, ये तो पूरा पार्ट आपका एलिमिनेट हो गया, और जो आपका CH3 जो बचा था वो आपका क्या रहेगा, अब डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ अटैच है तो वो इन द प्लेन रहेगा। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास प्रोडक्ट। ओके, ये आपका पास बन गया प्रोडक्ट, इसे आप आपको नहीं देखना है, ये एक अलग क्वेश्चन के लिए था, तो प्लीज इसे आप एलिमिनेट कर दीजिए।
आपके पास ये बन गया आपका मेन प्रोडक्ट, और जो बाय प्रोडक्ट बना वो क्या था, बाय प्रोडक्ट आपका रहेगा एन वाला पोजिशन, एन के साथ क्या आपके पास निकला, उससे भी मैं लिख देता हूं, उससे मैं राइट से लिख लेता हूं, मुझे मिला एन, इसके साथ दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए और इसके साथ एक है OH, यानी कि एन हाइड्रोक्सी एमिन, इसका क्या नाम है, एन हाइड्रोक्सी एमिन, और ये आपका मिल गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लोहेक्सेन, और थ्री नंबर पे था आपका मिथाइल ग्रुप। तो मुझे मिल गया प्रोडक्ट, किससे मिला मुझे, एन ऑक्साइड के, एन ऑक्साइड के सिन एलिमिनेशन से। तो ये जो स्टेप था वो आपको मिलेगा सिन एलिमिनेशन स्टेप। आई होप आप सभी को ये रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की ओर, तो चलते हैं, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया जिसके बारे में अभी मैंने मैकेनिज्म में बताया। अब सेलेन ऑक्साइड से कैसे बनेगा ये देख लेते हैं। दिस वन इज क्वेश्चन है आपके पास, ये आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल है, जो कार्बन नंबर है लाइक 1, 2 एंड 3, तो 2 नंबर पे डॉटेड पे सेलेन ऑक्साइड सेलेनियम पीएच है। फिर आपने फर्स्ट स्टेप में इसके किससे रिएक्शन करवाई, रिएक्शन करवाई आपने H2O2 और हिट, इट मींस सेलेनियम से आपको बन जाएगा सेलेन ऑक्साइड, इसका हो गया ऑक्सीडेशन। तो ये भी आपका रहा डॉटेड पे। अब देखिए आपको एक पॉइंट नोट करना है, 3 नंबर कार्बन पे मिथाइल सबस्टिट्यूएंट अब फेस में, तो 3 नंबर कार्बन पे अदर सबस्टिट्यूएंट कौन है बच्चों, वो रहेगा आपका हाइड्रोजन, जो लिखा हुआ नहीं है वो रहेगा आपका डॉटेड के ऊपर। तो यहां पे भी मैंने हाइड्रोजन को डॉटेड के ऊपर हाईलाइट किया, ठीक है। अब देखिए सेलेन ऑक्साइड डॉटेड पे, हाइड्रोजन जो है वो भी डॉटेड पे, तो इसका क्या होगा, सिन एलिमिनेशन होगा। तो ये हो गया आपके पास सिन एलिमिनेशन, सिन एलिमिनेशन आपके पास स्टेप परफॉर्म हुई। कैसे होगा, दिस ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट इसको हाइड्रोजन करेंगे, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट, और लास्ट स्टेप में सेलेनियम एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपके पास ये डबल बॉन्ड बनेगा, उसे मैं हाईलाइट करता हूं ग्रीन से, आपको बन गया प्रोडक्ट, ओके। चलिए ये हो गया, सपोर्ट कीजिए आपके पास एक साइक्लोपेंटेनॉन है, दिस वन इज नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोपेंटेनॉन है आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में, ठीक है। तो आपने फर्स्ट स्टेप में लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी सोडियम हाइड्राइड एंड फेनिल सेलेनियम क्लोराइड, मींस आपको इसका सेलेनियम एटम यहां पे ऐड करना है। तो फर्स्ट स्टेप में कहीं से भी, या तो इस पोजिशन से या इस पोजिशन में, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, किसी भी पोजिशन से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कीजिए, ठीक है। तो यहां पे बन जाएगा आपको इनहैलेट, देन आफ्टर वो पीएचएसई के साथ अटैक करके आपके पास इस पोजिशन के ऊपर सेलेनियम अटैच रहेगा, फिर आप कराओगे H2O2 हिट, तो सेलेन ऑक्साइड बनेगा, और इस कार्बन से वो हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करके डबल बॉन्ड बनाएगा। तो इसका जो मैकेनिज्म है वो आप लिखिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको आता है कि नहीं, आपने लेसन नंबर 5 पढ़ा, 6 पढ़ा, और ये 7 आपका चल रहा है, तो आई थिंक आप इसे कर पाएंगे। तो मैं इसका मैकेनिज्म नहीं ड्रॉ कर रहा। अब देखिए एक एक कंपैरेटिव स्टडी है आपके पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्या कंपैरिजन करना है हमारे पास। ये एक साइक्लोपेंटेनॉन है विथ मिथाइल सबस्टिट्यूएंट CH3। अब यहां पे CH3 का मैंने स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं दिया, ये अब भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है। पहली चीज, आपके पास जो आपका कीटोन है, कीटोन के अल्फा पोजिशन के ऊपर एसिडिक प्रोटॉन्स रहते हैं, एक पोजिशन ए है, एक पोजिशन बी है, एक पोजिशन यानी कि क्राउडेड है, बी पोजिशन लेस क्राउडेड है, लेस सबस्टिट्यूटेड है। अगर आपने लिया KH, ठीक है, और आपने लिया फेनिल सेलेनियम क्लोराइड, तो KH जो है वो इनऑर्गेनिक बेस है, मोर सबस्टिट्यूटेड साइड से प्रोटॉन पिक करता है, ठीक है। तो अभी ए और अगर बी की बात करें तो सबस्टिट्यूशन दोनों के ऊपर सेम है, एम आई राइट, दोनों के ऊपर सब इंस्टीट्यूशन सेम है। अगर ये CH3 ए पोजिशन पे अटैच देगा तो सब इंस्टीट्यूशन अलग अलग होता है। तो अभी दोनों के ऊपर सब इंस्टीट्यूशन सेम है, लेकिन जो आपका बी फेस है, बी पोजिशन है, वो लेस इंडेंस है, तो आपका प्रोटॉन कहां से पिक होगा बच्चों, प्रोटॉन आपका बी पोजिशन से आपका पिक होगा, ना कि ए से। अब ये भी समझ सकते हो कि जो ए पोजिशन के ऊपर प्रोटॉन्स है वो लेस एसिडिक है, क्यों, क्योंकि इसके अल्फा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप CH3 प्रेजेंट है, लेकिन बी के अल्फा पोजिशन पे यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इसलिए बी पोजिशन के जो प्रोटॉन्स है वो मोर एसिडिक होंगे। तो आपका जो सेलेनियम अटैच्ड होगा फर्स्ट स्टेप में वो होगा बी पोजिशन से, फिर आपने रिएक्शन करवाई MCPBA से, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सेलेन ऑक्साइड बनाएगा, देन आफ्टर ये कौन से पोजिशन से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा, यहां से, यहां के जो दो हाइड्रोजन है इसमें से कोई भी एक हाइड्रोजन जो कि इसके फेस में होगा उससे एक्सट्रैक्ट करेगा, और आपको लेफ्ट साइड में डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, ओके। एम आई राइट माई डियर स्टूडेंट्स,
तो इसे आप प्रैक्टिस कीजिए, मैकलिंग आपको लिखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है कंपैरेटिव स्टडी के अंदर आपको एक साइक्लिक स्ट्रक्चर दे रखा है, इसमें पर्टिकुलरली आपको जो आपका पैरा पोजिशन है वहां पर टाइप ब्यूटीन ग्रुप दे रखा है वेज के ऊपर। ओके, आपको स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ पे शो कर रही है वेज के ऊपर। अब यहां पर आपको देखना पड़ेगा जब एलडीए एंड पीएच सेलेनियम क्लोराइड से आप इसके रिएक्शन कराओगे तो उस कंडीशन में भी आपके पास दो पोजीशन यहाँ पे रहते हैं, दिस वन इज ए पोजीशन, दिस वन इज बी पोजीशन। तो अभी भी बी पोजीशन के जो प्रोटॉन्स है मोर एसिडिक है, तो जब एलडीए से आप रिएक्शन कराएंगे तो बी पोजीशन के प्रोटॉन एलिमिनेट होगा, इनोलेट बनेगा, वो पीएच सेलेनियम से रिएक्ट करेगा एंड देन जो भी पीएच सेलेनियम है वो डॉटेड के ऊपर आएगा, क्योंकि ये आपका जो लॉकिंग ग्रुप है वो अप फेस के ऊपर है, दिस इज लॉकिंग ग्रुप अप फेस के अंदर है, तो सेलेनियम कहां आएगा डॉटेड के ऊपर। तो यहां पे जो प्रोटॉन डॉटेड पे प्रेजेंट है उसको वो एक्टिवेट करेगा, सिन एलिमिनेशन परफॉर्म करेगा और आपको लेफ्ट साइड के अंदर डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, दिस इज डबल बॉन्ड। एम आई राइट माय डियर स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर, और इसका रिएक्शन मैकेनिज्म भी आपको ड्रॉ करके देखना है। नेक्स्ट जो आप हमारे पास क्वेश्चन है प्रैक्टिस क्वेश्चन, दिस वन इज, देख लेते इसको। आपके पास एक असाइक्लिक चैन है, एस्टर की चैन है, आपने यूज में लिया एलडीए। एलडीए क्या करेगा, कार्बोनिल के अल्फा पोजीशन पे जो प्रोटॉन है उसको पिक करेगा, यहाँ पे मेरे पास एक प्रोटॉन है ये पिक होगा, इनोलेट बन जाएगा। फिर आपने इसकी रिएक्शन करवाई पीएच सेलेनियम, फिर सेलेनियम पीएच से, मींस ये जो इनोलेट बना आपका वो अटैक करेगा, तो एक दिस पार्ट आपका बाहर चला जाएगा जिसको मैं ग्रीन से करता हूं, ये पार्ट आपका बाहर चला गया और ये पार्ट आपका अटैच्ड हो गया, तो इस पोजीशन पे ये अटैच हो गया। फिर आपने क्या लिया पर एसिड ने इसको बना दिया सेलेनियम ऑक्साइड, देन आपको सेलेन ऑक्साइड जो भी अगर इसकी जो भी स्टूडियो केमिस्ट्री हो चाहे वो अप फेस में हो चाहे डाउन फेस में हो, ये इसके अल्फा पोजीशन पे जो कार्बन है उस पे एच वाले जो अपने ही फेस के अंदर जो एच रहेगा उसे एलिमिनेट करेगा और आपको ये डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन आपको, सॉरी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर आपको एज ए प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा और ये रहेगा आपका सिन एलिमिनेशन। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल है माई डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये है हमारे पास दिस वन, ये है हमारे पास कीटोन, और कीटोन में दो फेस अभी आपके पास है, दिस वन मैं नाम देता हूं इसको ए पोजीशन, दिस वन इज बी, ए पोजीशन लेस हिंड्रेंस है, ठीक है। अगर आप एलडीए यूज में लेते हो ए पोजीशन लेस सब इंस्टीट्यूटेड है, बी पोजीशन मोर सब इंस्टीट्यूटेड है। देखिए जो बी नंबर के कार्बन पर दो ग्रुप जुड़े हुए, ये लेफ्ट वाला राइट वाला, ए नंबर के कार्बन पर सिर्फ लेफ्ट वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है कार्बोनिल, तो ए नंबर का कार्बन मोर सब इंस्टीट्यूटेड नहीं है, लेस सब इंस्टीट्यूटेड है, ठीक है। आपने यूज में क्या लिया एलडीए, एलडीए यूज में लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा माय डियर स्टूडेंट, इनोलेट बनेगा, ठीक है। अब वो इनोलेट क्या है, अगर आपका प्रोटॉन ए पोजीशन से एक्टिवेट होता है तो जो इनोलेट बनेगा वो आपका बी पोजीशन से कार्बन जो हाइड्रोजन है उसको एलिमिनेट नहीं कर पाएगा, ठीक, बी पोजीशन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट नहीं कर पाएगा, एसिडिक है फिर भी। तो इस कंडीशन में क्या होता है, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूं हुआ क्या, आप बेटर कंडीशन से समझ में पाएंगे, दिस वन मैं आपको लिखता हूं तो आप समझ में आएंगे। दो पोजीशन में बनाता हूं, देखिए दिस ये आपका रहा ए पोजीशन, ये आपका रहा बी पोजीशन, फर्स्ट आपने एलडीए यूज में लिया तो आपके पास क्या बनेगा उसको मैं लिख लेता हूं, पहले दिस वन इज हेयर एंड एक आप मैं लिख लेता हूं यहां पे। अब मैं दोनों ही पोजीशन से बताता हूं देखिए क्या होता है। देखिए पहला आपने एलडीए लिया था फर्स्ट स्टेप में एंड सेकंड स्टेप में आपने लिया है पीएच सेलेनियम क्लोराइड, ओके समथिंग ये लिया है। अगर एक पोजीशन से आपका अटैच्ड हुआ यानी कि प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हुआ तो सेलेनियम इसके साथ जुड़ेगा, यहां पे सपोज कीजिए सेलेनियम जुड़ गया, ठीक है, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं दिस वन इज सेलेनियम दिस वन इज पीएच, ठीक है। अगर आपका बी पोजीशन से निकला तो यहां पे आएगा आपका, सपोज कीजिए मैं वेवी लाइन से बनाता हूं दिस वन इज सेलेनियम दिस वन इज पीएच। अब देखिए क्या हुआ, ए पोजीशन से मेरा निकला, ये मेरा पोजीशन ए था, अब इस कार्बन के अल्फा पोजीशन पे कौन, इस कार्बन को मैं हाईलाइट करता हूं ग्रीन से,
इस कार्बन के अल्फा पोजिशन पे के कार्बन कौन सा है? दिस कार्बन, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है क्या? नहीं है, तो यहाँ पे कोई सी एलिमिनेशन परफॉर्म होगा क्या? नहीं होगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, तो इसका कोई मतलब ही नहीं निकला, ठीक है। तो ए पोजिशन से प्रोटॉन निकलने का कोई मतलब नहीं निकल रहा, तो अब क्या होगा कि कुछ एल डी एसिडिक है, मोर एसिडिक, तो कुछ प्रोटॉन क्या होते हैं ए पोजिशन से भी, सॉरी ये बी था आपका, इसको बी के नाम दीजिए, ये आपका बी पोजिशन से भी कुछ प्रोटॉन आपके एलिमिनेट होते हैं। तो जब यहां पे सेलेनियम आके जुड़ेगा तो उसका क्या होगा, जब आप इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे, क्या करवाएंगे? ऑक्सीडेशन। तो एक यहां पे स्टेप ले लीजिए, मेरे पास बी पोजिशन के ऊपर सेलेनियम आके जुड़ चुका था, आप मैंने इसका क्या करवाया? ऑक्सीडेशन करवाया था। तो दिस वन इज सेलेनियम, दिस वन इज ऑक्साइड बन गया आपके पास, और ये पीएच, सॉरी हाँ, तो इस कंडीशन में ये जो कार्बन है जिसके साथ सेलेनियम अटैच्ड है, इसके अल्फा पोजीशन पे ये कार्बन, इसके ऊपर दो प्रोटॉन्स रहेंगे जिसे मैं हाईलाइट कर देता हूं ब्लू से, एक अप फेस में रहेगा और एक डॉट मिड के ऊपर। तो जो स्टीरियो केमिस्ट्री सेलेनियम के, सपोज ये अप फेस के अंदर है, तो ये अप वाले हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेगा, रिएक्शन को आगे बढ़ा सकता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन को आगे बढ़ा के क्या बनाएगा? एक प्रोडक्ट बनाएगा, यहां पर मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, दिस वन, आपके पास ये प्रोडक्ट मिला, जिसमें देखिए क्या हुआ, इसने इसे यहां पे प्रोटॉन एक्टिव किया, ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट और ये सेलेनियम आपका बाहर, तो दिस वन इज अल्फा पोजिशन, दिस वन इज बीटा, तो यहां पे आपको मिल गया डबल बॉन्ड, ओके। और आपके पास बाहर प्रोडक्ट क्या मिला? एसी पी एच ओ एच, ओके। तो ये मिल गया मेरे पास प्रोडक्ट। इट मीन्स अगर मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड साइड से अगर प्रोटॉन एक्टिव हो रहा है तो जाके रिएक्शन प्रोसीड होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसलिए आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में बी पोजिशन से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कराना पड़ा एलडीए के थ्रू। अब हमारे पास एग्जाम्पल है, दिस वन इज एलडीएल, आप ले रहे हो एलएचएमडीएस जो कि बल्कार एसिड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो एसिडिक प्रोटॉन है वो पोजिशन नंबर ए के ऊपर रहेगा, तो ए से एसिडिक प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट होगा, आपके पास इनोलेट बनेगा, इनोलेट की रिएक्शन सेलेनियम पीएच से होगी, तो यहाँ पे सेलेनियम पीएच आके अट्रैक्ट होगा, देन आप उसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो सेनोक्साइड बनेगा, और ये बीटा या बी पोजिशन के ऊपर जो प्रोटॉन्स रहेंगे उसको एक्सट्रैक्ट करके सिन एलिमिनेशन देगा, क्या होगा? सिन एलिमिनेशन। तो यहां पे बन जाएगा ये अल्फा बीटा एंड सैचुरेटेड एल्डिहाइड। इसी तरह से आपके पास एक एग्जांपल है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, साइक्लिक स्ट्रक्चर के ऊपर आपको एल्डिहाइड दे रखा है, ये देखिए हाईलाइट करता हूं मैं, क्या है यहां पे ये कार्बन, इस कार्बन ये पूरा का पूरा साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर है और इसके ऊपर आपको दे रखा है सी एच ओ यानी कि एल्डिहाइड। अब आप क्या यूज में ले रहे हो? आप यूज में ले रहे हो एन ए ओ एच एंड के एच यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो अब क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, पहले एसिडिक प्रोटॉन कौन है? दिस एल्डिहाइड के अल्फा पोजिशन के ऊपर कार्बन पे जो प्रोटॉन है वो मोर एसिडिक होगा, तो इस एच को ये क्या करेगा? एलिमिनेट करेगा, आपके पास क्या बनेगा? इनोलेट बनेगा, फिर इनोलेट क्या होगा? ये पी एच एसी सी एल के साथ रिएक्ट करेगा, तो इस पोजिशन के ऊपर आपके पास आएगा सेलेनियम पी एच, फिर ये अपने ही फेस में यानी कि इस पोजिशन से, इस पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर जो दो हाइड्रोजन है इसमें से किसी एक को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो ये मिल गया आपके पास, देखिए कि समथिंग इस टाइप की बॉन्डिंग आपको अभी भी देखने को मिल रही है, दिस वन एंड दिस वन टाइप की बॉन्डिंग आपको देखने को मिली, यानी कि ये एल्डिहाइड ग्रुप, या आप बोल सकते हो ये एल्डिहाइड ग्रुप और फिर इसके अल्फा और बीटा पोजिशन पे आपको देखने को मिला डबल बॉन्ड, तो ये मिल गया मेरे पास प्रोडक्ट, ओके माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, दिस वन क्वेश्चन है मेरे पास, स्टार्टिंग मटेरियल कीटोन है, कीटोन के अल्फा पोजिशन पे बी आर जो है वैज के ऊपर है और सी एच थ्री है वो भी वैज के ऊपर है बीटा पोजिशन पे। पहले मैंने इसकी जो रिएक्शन करवाई वो सॉल्ट से करवाई, अब मैंने केस सेलेनियम सॉल्ट लिया पी एच एस ई एन ए, तो एसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सोडियम आपका रहेगा पॉजिटिवली चार्ज, तो जो न्यूक्लियोफाइल एसी है वो बैकवर्ड साइड से यानी कि अगर बी आर अप साइड में है तो न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करेगा माय डियर, वो आपके डाउन द फेस से अटैक करेगा और आपके पास जो बी आर है उसे एलिमिनेट करेगा, ये बी आर गुड लिविंग ग्रुप की तरह काम में करता है, तो बी आर ये आपका अटैक हुआ डाउन द फेस से तो आपका बी आर गेट एलिमिनेट, तो ये आपके पास आ गया सेलेनियम डाउन द फेस। अब आपने एमसीपीबीए लिया तो क्या बन गया? सेलेन ऑक्साइड बन गया, ठीक है, सेलेन ऑक्साइड मैंने बना दिया, ठीक, दिस वन इज सेलेन ऑक्साइड। अब देखिए इसके नेबरिंग कार्बन दिस वन और इसके ऊपर एक सी एच थ्री अप दे रखा है,
तो डॉटेड पे क्या होगा माय डियर, डॉटेड के ऊपर आपको देखने को मिलेगा एच हाइड्रोजन एटम। अब सैलिन ऑक्साइड की फेस के अंदर हाइड्रोजन एटम है तो आपको सिन एलिमिनेशन देखने को मिलेगा और आपको मिलेगा अल्फा बीटा सैचुरेटेड कीटोन। ये भी ट्रिकी क्वेश्चन था, आपको अगर स्टेप पता है क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, दिस वन इज क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन साइक्लिक कीटोन दे रखा है और बीटा पोजिशन पे चैन दे रखी है आपके पास। अब आपने लिया सोडियम बोरो हाइड्रोक्साइड विथ एसिडिक कंडीशन, तो सोडियम बोरोहाइड्रेट क्या करता है बेटा, सोडियम बोरोहाइड्रेट रिड्यूसिंग एजेंट है जो कीटोन को अल्कोहल के अंदर रिड्यूस करता है एसिडिक मीडियम। तो पहले स्टेप के अंदर तो ये हो गया आपके पास, जो कीटोन था वो अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो गया। सेकेंड स्टेप में मैं लिया सॉल्ट ऑफ सल्फर, ये मैंने लिया सल्फर सॉल्ट PHS, ये नेगेटिव रहेगा, Na पॉजिटिव रहेगा। अब गुड लिविंग ग्रुप कौन है, आयोडाइड, तो ये अटैक करेगा आपके आयोडाइड, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वहीं पे अटैक करेगा, है ना। तो ये यहां पे अटैक किया तो आयोडाइड आपका बाहर, ठीक, तो इस पर्टिकुलर पोजिशन से जुड़ गया मेरा सल्फर पीएच, तो यहां पे आपके पास जुड़ गया मेरा सल्फर पीएच, जहां कहां पे जुड़ा, दिस वन, हाईलाइट करते हैं इसको ग्रीन से, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, एक फाइव मेंबर रिंग, सबसे पहले जो रिएक्शन कंडीशन दे रखी है उसको देख लेते हैं। थर्ड स्टेप आपको दे रखी है, जो थर्ड स्टेप है दिस वन इज H2O2 हीटिंग, तो मेरे पास ये आया दिस वन, आपने लिया H2O2 हीटिंग, ठीक है, H2O2 हीटिंग, तो जो सल्फर था वो बन गया सल्फोक्साइड के अंदर। तो पहले तो मैं जो मेरे पास अननेसेसरी चीज है जो थोड़ा सा ओवर राइटिंग है उसको मिटा देता हूं, आपको डिस्टर्ब ना हो, ओके। नोट बनाते समय कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी जिससे मैंने ध्यान नहीं दिया, तो ठीक है, मेरे पास अननेसेसरी चीज मेरे पास डिसअपीयर हो चुकी है। अब मेरे पास क्या बना था, मेरे पास बना है दिस वन इज सल्फोक्साइड। अब सल्फोक्साइड क्या करेगा, सल्फोक्साइड जिस कार्बन से अटैच्ड है उसके अल्फा पोजीशन पे ये कार्बन है जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं पिंक से। अब पिंक कार्बन के साथ जो अटैच्ड हाइड्रोजन है, अटैच्ड हाइड्रोजन येलो से मैं हाईलाइट करता हूं, इसको एलिमिनेट करेगा सल्फोक्साइड। और आपके पास मैं नाम देता हूं कार्बन को, वो बेटर रहेगा, दिस वन इज वन नंबर कार्बन, दिस वन इज टू नंबर कार्बन, तो वन एंड टू के बीच में आपको क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, ओके। तो बना दीजिए वन एंड टू के बीच में डबल बॉन्ड, तो दिस इज वन, दिस इज टू, इसके बीच में आपको बन गया डबल बॉन्ड और ये सल्फोक्साइड का सिन एलिमिनेशन हुआ, तो ये था आपका सिन एलिमिनेशन, ओके माय डियर। तो आई थिंक आप ये भी क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आया होगा, सिन एलिमिनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं सल्फोक्साइड के प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसे हाईलाइट कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके पास एक साइक्लिक कीटोन दे रखा है और इसका ये पोजिशन है आपका अल्फा, दिस वन इज बीटा, और बीटा पोजिशन के साथ एक चैन है और चैन में इस पोजिशन के ऊपर आपके पास सी एच थ्री डॉटेड पेयर है, ओटीएस आपका अब फेस में, ओटीएस मीन्स क्या, गुड लिविंग ग्रुप है, हाईलाइट करो। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल लोगे तो इसी पोजिशन को अटैक होगा, मैंने डेफिनेटली यहां पर लिया है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इन एसिडिक कंडीशन, तो ये ग्रिग्नाइड रिएजेंट है, आपको कुछ समझ में आ रहा है बेटा, ये क्या है RMGX है, ग्रिग्नाइड रिएजेंट RMGX, ये क्या करता है, ये करता है वन टू एडिशन देता है कीटोन के साथ, तो आपने मैंने यहां पर लिख लिखा है, ये देगा आपका वन टू एडिशन रिएक्शन देगा कीटोन के साथ, तो इसका बस आपको क्या करना है, कीटोन के ऊपर अटैक करवाओ। आपने ये लिया मेरे पास जो RMGX है, मुझे न्यूक्लियोफाइल मिलेगा Na माइनस, ठीक है, ये कौन अटैक कहां पे करेगा, ये करेगा कीटोनिक सेंटर पे, देन आफ्टर क्या होगा, कीटोन का डबल बॉन्ड ओपन और ये क्या करेगा H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, तो इसने प्लस को एक्सेप्ट किया तो इस पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर OH आएगा और मिथाइल आएगा, तो ये देखिए दिस वन इज OH अप फेस में, मिथाइल डाउन फेस में, ये क्यों हुआ, देखिए CH इसके अल्फा पोजीशन पे CH3 कहां पर है, अब फेस के अंदर है, तो न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करेगा, डाउन द फेस से अटैक करेगा, तो ये देखिए CH3 आपका डाउन द फेस रहा, न्यूक्लियोफाइल डाउन द फेस अटैक किया तो जो ऑक्सीजन की ओपनिंग होगी वो अब फेस के अंदर होगी, तो ये OH आपका फेस के अंदर है। तो किस टाइप से हमने स्टीरियो केमिस्ट्री समझ ली, हमको स्टीरियो केमिस्ट्री का अभी मैंने चैप्टर भी नहीं कराया और आपको मैं स्टीरियो केमिस्ट्री के प्रोडक्ट बता दे रहा हूं, तो इस टाइप से आप स्टीरियो केमिस्ट्री समझ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा माय डियर, अब आपको दे रखा है पीएच सेलेनियम सॉल्ट आपको दे रखा है, तो सेलेनियम सॉल्ट दे रखा है, सेलेनियम पीएच आपको एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, मैं यहां पे लिख देता हूं पीएच सेलेनियम, ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये ओ पीएच अब फेस के अंदर है,
वेज लाइन पे तो सेलेनियम डॉटेड फेस से अटैक करेगा, तो इसका अटैक करेगा डॉटेड फेस से, ये आपका डॉटेड फेस से अटैक करेगा, ओटीएस आपका बाहर। अगर आप सेलेनियम डॉटेड फेस से अटैक किया तो CH3 जो पहले डॉटेड के ऊपर था वो डेफिनेटली अब फेस में आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप जब आप करोगे तो CH3 अब फेस में, अब मैंने लिखा है देखिए दिस CH3 अब फेस के अंदर, और सेलेनियम मैंने कहां पे शो किया, सेलेनियम को मैंने शो किया डॉटेड फेस के ऊपर, सेलेनियम को शो किया। अब आप क्या करवा रहे हो, नेक्स्ट स्टेप आपका H2O2 हिट। H2O2 क्या करता है, हेटरो एटम का ऑक्सीडेशन। हेटरो एटम कौन है बेटा, दिस वन इज सेलेनियम। तो क्या बन गया मेरे पास, मेरे पास बन गया सेलेन ऑक्साइड डॉटेड और सेलेन ऑक्साइड कहां पर डॉटेड पे है, तो इसके अल्फा पोजिशन पे मैं कार्बन को नाम देता हूं, दिस वन इज वन, दिस वन इज टू। तो टू नंबर पे भी दो हाइड्रोजन है, एक अप फेस पे रहेगा दूसरा डॉटेड पे, इसको बना देते हम, ये अप फेस के ऊपर हाइड्रोजन दूसरा डॉटेड के ऊपर हाइड्रोजन। तो इस डॉटेड के ऊपर जो हाइड्रोजन है उससे ये एलिमिनेट करेगा और वन एंड टू के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, और वन नंबर पे एक मिथाइल सबस्टिट्यूएंट भी था, तो ये वन के ऊपर एक मिथाइल सबस्टिट्यूएंट एंड ये टू के ऊपर डबल बॉन्ड बन गया मेरे पास, इसको हाईलाइट किया मैंने ग्रीन से, ये बना मेरे पास मेजर प्रोडक्ट। ओके माय डियर स्टूडेंट, इसके अंदर माइनर प्रोडक्ट क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट ये हो सकता है कि ये जो वन एंड टू जो इनर वन टू को एक्सटेक ना करके ये बाहर वाले टू प्राइम से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करे, इस वाले प्रोटॉन कार्बन से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करे, तो उस कंडीशन में ये डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा दिस वन, ठीक है, ये डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, तो ये रहेगा माइनर प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। सेकंड केस ये भी हो सकता है कि जो अप फेस के अंदर CH3 है उसके प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करे तो ये आपको डबल बॉन्ड मिलेगा इस टाइप से, ठीक है, तो ये भी आपका माइनर प्रोडक्ट है। तो मेजर प्रोडक्ट तो ये वाला मैंने आपको बता दिया, ये भी आपके रहेंगे माइनर प्रोडक्ट। नेक्स्ट आपके पास जो एग्जांपल है देख लेते हैं उसको, आई थिंक लेक्चर की साइज अभी बड़ी हो गई है तो इसे हम यहीं पे स्टॉप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, उसके अंदर ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको वापस से एक बार रिवाइज करवा देता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए मुस्कुराते रहिए, चलिए वंस अगेन हैव अ नाइस डे।